सबको ढेर सारा प्यार। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी भाई तुझसे हमारी जान हो, हिंदुस्तान की शान हो। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का। सनी भाई ये देख रहा हूँ मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हो ही रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है, इतने सालों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए, तो थैंक यू वेरी मच। छेड़ा जाए तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था, लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आपको फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। क्या बात है, अभिषेक 22 साल के बाद आप तो वैसे के वैसे ही, जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवाले की गए थे मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका, सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट को-स्टार ऑफ माइन सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियां थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियां, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी, अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा कि अकिया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ, थोड़ी माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे, और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर,
my fabulous makeup team, Jaywan ji, Pooja ji, and Rocky, who worked on my costumes. Hum 20-20 ghante look test karte rahe. Aur hum tasveere bhejte the Anil ji ko. Aur kuch dino baad jab hum safal rahe, mujhe thoda sa aur mature dikhane ke liye film mein, I got the most beautiful message from Anil ji saying, my precious Sakina is back. Ah, kya baat hai. But the most important person in all of this is Mr. Shahrukh Patel. क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, balls if I may say so, is only and one only Mr. Shahrukh Patel. And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them, उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here. आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, एक्चुअली जैसे सानी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ मेकअप खराब हो जाएगा. लगातार और हर बात तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट पे आपने महसूस किया कमाल की. ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते मैं बताऊं कैसे. अरे अमीशा जी देखिए सकीना मैडम और करते रहते और ये उनका तकिया कलाम है. और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुनने ही नहीं मिलता. फॉग 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 और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा. लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट. हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं. क्यों बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं. ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ. ये हमारा रिश्ता है. And the most beautiful part is कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे. तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय. आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे पक पक करने की आदत है. एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी. हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ और बोले मैम यहाँ यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रही है. तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ मैं, बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है. बोले उत्कर्ष शर्मा. बोले हाय राम ये तो मेरा बेटा है. तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है. हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटी का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं बट दैट केमिस्ट्री इज शोइंग ऑन स्क्रीन. एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिल और दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दीवाने हैं. एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म सो मेक श्योर यू आर गिविंग लव टू हिम. शाहरुख पटेल साहब के बारे में बात की अनिश.